मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में पहला देखा होगा फ्रॉम एल्कीन्स, फिर हम लोगों ने देख लिया फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फिर हम लोगों ने देखा था फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स में स्पेशली मैं फॉर्मल डिहाइड एंड जी आर इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेता था, देन इट इज फॉर्मिंग प्राइमरी एल्कोहल। अगर मैंने एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल डिहाइड एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेता था तो देन इट इज फॉर्मिंग सेकेंडरी एल्कोहल। अगर तुमने कोई भी और कीटोन लिया एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट देन इट इज फॉर्मिंग टर्शियरी एल्कोहल, प्लस इसका रिडक्शन किया था तो रिडक्शन में एल्डिहाइड का रिडक्शन इज फॉर्मिंग प्राइमरी एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कीटोन इज फॉर्मिंग सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। तो ऐसा था, चलो नेक्स्ट वन। हम लोगों ने देखा था फ्रॉम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, फ्रॉम ईथर्स, ईथर्स में क्या था हमारे पास, टू मोल्स ऑफ एल्कोहल बन जाता था, है ना। अगर टू मोल्स ऑफ एल्कोहल बनता था कहीं पर भी एच एन ओ एच जोड़ देता था मैं। नेक्स्ट वन लिखो, फ्रॉम अमाइंस, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अमाइंस। ओके लिखो, लिखो व्हेन अमाइंस आर रिएक्टिंग विथ अमाइंस आर रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट HNO2, रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट HNO2, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाइल्यूट HNO2 इट विल राइट NNO2 एंड HCl, ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है ना। देन इट फॉर्म्स एल्कोहल, देन इट फॉर्म्स एल्कोहल, सो इफ यू आर टेकिंग ऐसा प्राइमरी एल्कोहल मुझे बनाना है, नाउ यू आर टेकिंग एन ए एन ओ टू प्लस सी एल, एस सी एल की जगह पे मैं क्या ले सकता था, डाइल्यूट
HNO2 सेम, ओके। अगर डाइल्यूट HNO2 लिया तुमने तो ध्यान, पहले इधर देखो सब लोग, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मैंने बनाया था, यहां पर भी रिएजेंट हमने यही लिया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पेशली सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर के ऊपर रिएक्शन, ये सब अगर याद है, N2Cl लेता था, CuCl, HCl लेता था। तो यहां पर भी बेंजीन नहीं है बल्कि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है, दिस इज फॉर्मिंग अल्काइल डाइजोनियम, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर, दिस इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ROH, ऐसा क्यों होता था इसके पहले? इफ यू आर टेकिंग बेंजीन रिंग, ऐसा होता था और Cl माइनस होता था, दिस इज N2Cl, दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, बट एल्किलाइड में ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट इन रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल इन नेचर, दिस इज अनस्टेबल इन नेचर, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल। पहले इतना लिखो फिर मैं बताता हूं। नोट कर लिया सबने? अर्नव स्क्वायर, जीवन देशमुख, समझ में आ रहा है? चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। क्या बोल रहा है? इफ यू आर टेकिंग हाँ वही मैं बकने जा रहा हूं, भक्ति, इफ यू आर टेकिंग N2Cl एंड बेंजीन रिंग, सॉल्ट है ना, आर का मतलब है थोड़ी देर के लिए CH3 ले लो, C2H5 ले लो, वॉट एवर इट मे बी, यहां पे क्या हो रहा है? दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, ठीक, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल इन नेचर, सो दिस विल एग्जिस्ट इन नेचर। यहां पे क्या हो रहा है?
पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पे है ना बेंजीन रिंग के, यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इसलिए मैं लिख सकता था डेट्स वाई इट इज अनस्टेबल इन नेचर। ठीक, दैट्स व्हाई इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। लिख लो, इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। Alkyl diazonium salt is not stable in nature. Okay. So let us come to example, please. Bhakti, clear? क्लियर हुआ? भक्ति, भक्ति स्क्वायर। हाँ, ईश्वरी बोले सर फिर उसका अल्कोहल नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना अल्कोहल, जो स्टेबल है वो। नहीं, उसका अल्कोहल कहाँ बनता था? वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता था, वो सॉल्ट में ही रहता था, वो सॉल्ट में ही रहेगा। HCl, HCl के फॉर्म में रहेगा बाहर। NaCl टाइप का बना करके बाहर। तो सपोज यू आर टेकिंग CH3CH2NH2, तो यहां पे तुमने क्या लिया, डाइल्यूट HNO2। यू कैन डायरेक्टली राइट ऐसा, हाँ हाँ उसी का बोल रहे हैं।
suppose you are taking CH3 CH2, ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन। वर्तक बोले दिस इज सेकेंडरी अमाइन, बोलो सब लोग जल्दी बोलो। तो विरजा घाटे ने बोला दिस इज प्राइमरी, बाकी सब लोगों ने बोला सेकेंडरी, सो दिस इज डेफिनेटली प्राइमरी अमाइन है रे बाबा। नाइट्रोजन के पास अगर टू हाइड्रोजन तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, एक भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्शरी। सेकेंडरी मैं इसको बोलता, एक ही हाइड्रोजन होता तो इसका अलग केस रहता था, स्पेशल केस। कुछ याद आया? सो दिस विल फॉर्म ऐसा NH2। सो दिस रिएक्शन इज, यू कैन से दिस रिएक्शन इज स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो Cl हम लोग के बाई प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है, वो कंपाउंड उधर ही बना करके उसी में रह जा रहा है, किसके पास, रिएजेंट के पास ही। Here NH2 group is replaced by OH group, so this reaction is substitution reaction. This is called as substitution reaction. हाँ बोल सर, यू हाथ उठाए। नंदिनी सर यू, ये प्राइमरी था अमाइन। ओके, is there any problem please? Screen नहीं दिखाई दे रहा था। तो till now जितना भी तुम लोगों ने लिखा, अगर उसको मैं summarize करता तो, समराइज इन द सेंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऐसा लिखा था तुमने क्या, डाइल्यूट H2SO4
दिल से रिएक्शन होता था, वाटर निकलता था। कुछ याद है? अगर इसका मैकेनिज्म पूछता है तो अलग ही तरीके से जाता था। अगर इसका मैकेनिज्म पूछता है तो फर्स्ट स्टेप, मैं फिर से जस्ट पूरा रिवीजन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डाइल्यूट एस्टेस ऑफ फोर, HSO4 एंड दिस इज CH3, और यहाँ पर बॉयल करता था मैं वाटर के साथ। OH इज रिप्लेसिंग दिस वन, और या तो फिर इसी को एक ही लाइन में लिख देता था क्या, डाइल्यूट एस्टेस ऑफ फोर, तो प्रोडक्ट विल बी सेम। जिधर ज्यादा कार्बन होता था डबल बॉन्ड के अराउंड, ये देखो ये डबल बॉन्ड इधर आए मम्मी पापा, जिधर ज्यादा कार्बन है उसके जस्ट बाजू में नेगेटिव पार्ट जोड़ना था। MP इज मम्मी पापा। अभी इसी में मेरे पास और भी रिएक्शन है, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना? तुम लोग बोलो करना है या नहीं करना है, जल्दी बोलो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन 11th क्लास में था। करना है सर। तो सभी लोग लिख करके दे रहे हैं कि करना है, ठीक है हम लोग कर लेते हैं। बट ये प्रॉब्लम आएगा, एक ही मिनट भाई प्लीज, थोड़ा सा मैं एक हाँ भाई चलो, और एल्किलेलाइट पर रिवीजन के लिए मैं बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके। डाइल्यूट एस्टेस ऑफ फोर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा सभी के एक एक दो दो रिएक्शन ले रहा हूँ मैं बस। आइदर यू आर टेकिंग एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SBH, व्हाट इज SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, SBH इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। जस्ट ब्रीफ रिवीजन प्लीज, दिस इज जस्ट ब्रीफ रिवीजन, जस्ट ब्रीफ रिवीजन, इसके आगे मैं जाता हूं। नोट किया सबने? यस सर। जस्ट ब्रीफ रिवीजन, थर्ड वन, फोर्थ वन, एनी कीटोन, हम लोग के बुक में H2Ni का PTPD का नहीं देता है बट मैंने लिया।
LiAlH4 NaBH4 BD4 नहीं लेता हूँ नहीं परेशान हो जाएंगे। NaBH4 को क्या लिखोगे तुम? बुक में लिखा मिल सकता है SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज फॉर्मिंग साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक, इसी का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, बट सिंपल वन CH3 MgBr, सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2OH प्राइमरी। एनी एल्डिहाइड एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट और इसके साथ साथ तुमको डेफिनेटली वाटर लेना पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू टेक वाटर। जस्ट ब्रीफ रिवीजन अब तक का, दिस इज CH3H। नाउ इफ यू आर टेकिंग कीटोन, प्लस CH3MgBr, तो दिस विल फॉर्म टर्शरी एल्कोहल, दिस इज ME मिथाइल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, इंपॉर्टेंट वन प्लीज। इंपॉर्टेंट बना किसी भी कॉम्पिटेटिव इवन बोर्ड में एल्डिहाइड कीटोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए तू जाएगा एल्डिहाइड कीटोन की ही बात करेंगे सब। नाउ जो आज हमने किया, अच्छा पहले इसको नोट करो जस्ट प्लीज फास्ट। लियोन गेटला का लियोन गेटला का रे भाई हो गेटला, वेरी गुड। गेटली भी होता है क्या कि गेटला ही होता है? इसमें भी प्लूरल, गेटली होता है नेहा? यस सर, किसके लिए लिखा है? अच्छा गेटला होता है, गेटली नहीं। ठीक है, तुम लोग का इसी के चक्कर में थोड़ा सा मनोरंजन एम्यूजमेंट भी हो जाएगा, गेटला गेटली। चलो ओके, सो दिस इज NH2, यू आर टेकिंग डायरेक्टली डाइल्यूट HNO2 और This is NaNO2, NaNO2 HCl ना यही बनाता है,
डाइल्यूट एच2ओ2 ही रहता है। बट ये याद रहे कि ये शिफ्टिंग हो सकता है, इसमें शिफ्टिंग हो सकता है, एसन वन एसन टू ले सकता है, डाइल्यूटेड सिस्टम यू हैव टेकन। डाइल्यूटेड सिस्टम यू हैव टेकन, डाइल्यूटेड सिस्टम यू हैव टेकन, प्लीज इंपॉर्टेंट वन। क्यों बोल रहा हूं, अगर इसी में तुमने सपोज ऐसा ले लिया NH2, दिस इज राइट नाउ इट इज फॉर्मिंग SN2 रिएक्शन। वाई SN2? दिस इज प्राइमरी सबस्ट्रेट। N2Cl रिएक्शन करने के बाद यहां से एक N N N ये वाला आता है और एक N यहां पे रहता है, उसकी वजह से बनता है। मैकेनिज्म डेफिनेटली हम लोग नहीं देखेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो दिस इज CH2, देखो प्राइमरी है बट फिर भी दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। Whenever intermediate is formed, reaction will be definitely SN1 reaction. कुछ याद आ रहा है? ऊपर वाला देखो SN2 था, वो भी प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी है, कार्बन ये वाला जहां पे है, बट स्टिल इट इज फॉर्मिंग SN1 प्रोडक्ट और वो वाला SN2 प्रोडक्ट बना रहा है। व्हाई? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इट विल बी इन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल वन। ओके, चलो लेट अस कम टू नेक्स्ट वन प्लीज। एन इंपॉर्टेंट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट हेडिंग। बाकी जब मैं लेक्चर लूंगा आगे का तो उसमें मैं कवर करूंगा और भी रिएक्शन। अच्छा, सब लोगों ने बोला था कि वो देखना था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने 11th क्लास में मैंने करके दिया था तुमको, 11th क्लास में मैंने कर करके दिया था ये। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि भूल गए हम लोग? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत कॉमन फेनोमेना है भूलने के लिए।
तो यू आर टेकिंग BH3, यू आर टेकिंग BH3, ठीक। अगर तुमने BH3 लिया तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली? ठीक है ना, चलो कोई कुछ नोट ना करेगा। इधर देखो, BH3 में मैं ऐसा लिखता हूं, विच वन इज बल्कियर साइड, BH2 और H, विच वन इज बल्कियर साइड, H और BH2? BH2 BH2 इज बल्कियर ना, तो बल्कियर है तो बल्कि साइड से अटैक नहीं करेगा भाई। अगर तुमको सपोज जर्नी करना है और बस से करना है तो मॉर्निंग में 10 बजे करना चाहिए या दोपहर में 2 बजे करना चाहिए? थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर बस का होगा तो भाई 10 बजे तो क्या होगा, उसमें घुस भी नहीं पाएगा, इतने बल्कि ग्रुप्स रहेंगे। तो खुद बल्कि ग्रुप समझ ले अपने आप को। 2 बजे क्या होता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है, आराम से पूरा ड्राइवर से लेकर के कंडक्टर तक पीछे तक घूम सकते हैं। तो वैसे ही डर है, बल्कि ग्रुप साइड से रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा बनाएंगे, ठीक। तो ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद क्या आया, कुछ ऐसा समझ लो कि H को रिप्लेस करके क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। और कब तक कंटिन्यू रहेगा प्लीज, 1H रिप्लेस होगा ऐसा टाइप का, जो तुम्हें ऐसा फील होगा। एक एच निकल गया और भी, देखो इधर से 1H निकला था, अभी दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, सेम थर्ड मॉलिक्यूल आया। तो तुम लोग को अगर 11th क्लास में याद हो तो ये स्टेप उन्होंने डायरेक्टली लिखा था, दिस इज टू थ्राइस 1 by 1 सभी हाइड्रोजन रिमूव। तो टेक्स्ट बुक में हमारे 11th क्लास में ये डायरेक्ट स्टेप लिखा था BH3 से रिएक्शन करा करके, ठीक। उन्होंने डायरेक्टली लिखा था, मैंने मैकेनिज्म बता दिया। तो अब क्या होगा, टू ओ एच में ब्रेक होगा, टू ओ एच, कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे इसके, 3। तो एक ओ एच, ध्यान से देख बाद में लिखना, वन मॉलिक्यूल ओ एच का इधर आया और 3 लगाया ना तूने, ये देखो 3 है ना, 3 आगे आ गए और 3 ओ एच उधर चले गए। तो लेकिन ये ओ एच कैसा ऐड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल हो रहा है ना। हाइड्रो बोरेशन, BH3 लिया है ना, इसलिए बोरेशन बोल रहा है।
फिर ऑक्सीडेशन क्यों बोला, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आया है फाइनल स्टेप में, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्लीज नोट डाउन, देन आई विल राइट द डेफिनेशन। प्लीज नोट डाउन फास्ट। सर वो फर्स्ट स्टेप नहीं समझा। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो पहले। लियोन घेतला का? यस। सर वो जो फर्स्ट स्टेप है वो वाला नहीं समझो। क्या हो रहा है इधर से? BH3 को ही ऐसा लिख दिया गया है ना? हाँ BH3 को ही एक एक बॉन्ड लिखा है, दो बॉन्ड नहीं लिखा है ना? तो अब क्या हो रहा है? हाँ सर बिकॉज ऑफ ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी हायर है। अगर मैं कोई सी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता हूँ तो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। तो उससे उसने इंटरैक्ट किया, और इंटरैक्ट करके ये साइक्लिक ट्रांजिशन बनाया। सर लेकिन हमें ये कैसे पता चलता है एस मतलब एच कौन से साइड में जुड़ेगा और BH2 अब मैं कौन से वही तो साइड में बोल रहा था जुड़ेगा। ना, इतनी देर से बता रहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ लो। कार्बन CH के इस साइड क्या है? ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज बल्की ग्रुप बोल दिया। बल्की मतलब बड़ा ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के राइट साइड में क्या है? उधर H और H है, इधर क्या है? HNCH3 है। इधर बड़े ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप बड़े साइड में नहीं जाएगा। बिगर ग्रुप विल नॉट इंटर टूवर्ड्स बिगर ग्रुप, देयर विल बी रिपल्सन, है ना? इसलिए हाँ बिगर सर ग्रुप की तरफ क्या जाना चाहिए? स्मॉलर वाला, ये स्मॉलर और ये वाला बल्की। तो बल्की वाला बल्की के साइड से अटैक नहीं करेगा, ओके? इसलिए HCH3 के साइड जाएगा, मतलब सॉरी, हाँ CH3 के साइड जाएगा। हाँ या ना? सर तो उसके बाद बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक क्यों होता है? हाँ, अगर कोई भी साइक्लिक अगर तुम्हारे पास बनता है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहेगा, उसको ब्रेक होना ही होना है। क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं रह जाता है, मैंने डॉटेड दिखाया था, और डॉटेड रहेगा ये। वो डॉटेड कैसा रहेगा? कहने का मतलब ये था कि डबल बॉन्ड इज नाउ पार्टिसिपेटिंग विथ ब्रेक होकर के, ऐसा।
ठीक, एंटी मार्कोनी तने आप बोलते हैं कि एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल सिर्फ एचबीआर के लिए फॉलो करता है, सर बीएस ने कैसे कर लिया? डेट इज एंटी मार्कोनी कोऑप्स रिएक्शन था, दिस इज नॉट एंटी मार्कोनी कोऑप्स रिएक्शन। मैं बोल रहा हूं ये फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है मतलब जिधर बीआर जाता था उधर जाएगा, उनके कहने का मतलब ऐसा है। दिस इज नॉट एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल, दिस इज फॉलोइंग एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल। ठीक, सी इन प्रीवियस वन, हाँ इन दिस वन तुम यहां पे लिख सकते थे फॉर दिस वन कि दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग मार्कोनी कोऑप्स रूल, दिस इज नॉट अ मार्कोनी कोऑप्स रूल, दिस इज फॉलोइंग, है ना? उनके कहने का मतलब था ओ एच उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन कम होता था, तो दिस इज फॉलोइंग मार्कोनी कोऑप्स रूल, दिस इज नॉट अ मार्कोनी कोऑप्स रूल। सेम थिंग इज हियर, दिस इज फॉलोइंग मार्कोनी कोऑप्स रूल, दिस इज नॉट अ मार्कोनी कोऑप्स रूल। तो इफ यू आर टेकिंग एच बी आर दैट इज प्रॉपर मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल। ओके विरजा, नहीं तनया, हाँ विरजा बोले सर लेकिन सेकेंड में तो डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लिक ट्रांजिशन कैसे बनेगा? कौन से सेकेंड में? डबल बॉन्ड ही तो है। नाउ डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन साइक्लिक ट्रांजिशन में, सेकेंड कौन सा? सेकेंड स्टेप बोल रहे हैं क्या यहां पर? You are talking about this one, जहां पे मैंने ब्लू डो लाइन लिया है उसको बोले ना, है ना? ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला पार्टिसिपेट करेगा ना। इधर पे क्या आएगा? H आएगा, CH के पास H जाएगा एंड CH2 के पास BH C3H7 जाएगा। ओके हाँ भाई बोलो, डाउट से डर लगता है, डर इसलिए लगता है सर। तो फिर दोनों H BH2 का बॉन्ड ग्रेप, हाँ बोल सर। तो दोनों डबल बॉन्ड, सर तो दोनों डबल बॉन्ड और H और BH2 का बॉन्ड ब्रेक होता है साइक्लिक ट्रांजिशन में। हाँ सेकंड स्टेप में क्या होगा ये ऐसा लिख दूंगा मैं इसको, BH इधर और इधर क्या रहेगा? BH के साथ साथ C3H7 भी रहेगा, ये वाला इधर आएगा ऐसा, एक स्टेप करके दिखाया गया, नेक्स्ट स्टेप करके नहीं दिखाया गया, बस ये है। ठीक, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से यहीं पे लिख ही देता। ये देख, ठीक ये वाला एच कहाँ जाएगा पता है? यहां पर जाएगा बस, तो फिर से दो मॉलिक्यूल हो गए, ये वाले आ गए। राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज, लिखो लिखो व्हेन, लिखो व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ, when alkene is reacting with alkene is reacting with BH3 or B2S6, BH3 or B2S6 in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, THF को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है ना, एंड 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 H2O2 एंड H2O2 देन इट फॉर्म्स, देन इट फॉर्म्स then it forms alcohol then it forms alcohol then it forms alcohol then it forms alcohol likh lo reaction is following एंटी मार्कोवनी कॉफ्स एडिशन रूल, इज फॉलोइंग एंटी मार्कोवनी कॉफ्स एडिशन रूल, is following anti markovnikov's addition rule theek hai नोट कर लिया सबने प्लीज यस सर यस तो लेट अस टेक एग्जांपल सपोज यू आर टेकिंग दिस वन If you are taking dilute H2SO4 and you are taking BS3THF H2O2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि H कहां से आ रहा है, OH कहां से आ रहा है, ये कॉम्पिटिशन में बहुत परेशान करते हैं. सो दिस इज फॉलोइंग मार्कोवनिकोव्स एडिशन रूल, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास जाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ये उसका उल्टा है. ऐसा
सपोज ये ले ले, यू आर टेकिंग डाइल्यूट, दिल से रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन दिल से होगा तो वाटर निकलता था, बोर्ड टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम। मैंने खोल रखा है बोर्ड का टेक्स्ट बुक, सुबोध अटके ने भेजा है न्यू रिवाइज्ड एडिशन का, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये देख, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़, ऊपर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर ऊपर कार्बन ज्यादा है तो मम्मी पापा है ना। मैंने बोला था कि अगर तुम पार्क में बैठे हो, तुम मतलब कोई भी, दिल से नहीं लेना है अपने ऊपर, पार्क में बैठे हैं और मम्मी पापा ने देख लिया, उनसे दूर भागना है इलेक्ट्रॉन, इधर आया प्लस, ऐसा है। दिस इज मार्कोनिक ऑब्जर्वेशन, दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल। ये कैसा था, एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल वाले में क्या था, पार्क में बैठे थे जरूर थे, बट किसी ने बोला कि भाग जा मम्मी पापा आ रहे हैं, ये तो ये नहीं बताया किधर से आ रहे हैं, भाग गया मम्मी पापा साइड में ही। ये ले बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल तनया, दिस इज नॉट अ एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल, दिस इज फॉलोइंग एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल। ओके, राइट डाउन फास्ट प्लीज। हो गया क्या? यस सर। यस। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है, ठीक है ना? और वो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, अरे वाह, इस बार के टेक्स्ट बुक में तो ज्यादा अच्छा दिया है कुछ। ठीक है, मैं बताता हूँ, लिखो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं, तब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाँ, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज आर सी ओ ओ एच, इसमें तुमने ले लिया एल आई एल एच फोर, बट इसके साथ साथ मैंने बताया है पहले भी कि वाटर होना चाहिए, है ना? तो क्या होता है, इधर पे आता है ओ एच है, इस पर एच प्लस आया, एच टू ओ बाहर निकल गया, ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। रिडक्शन का मतलब ही क्या हो गया, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो लिख लो, लिखो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ, इज हीटेड विथ, इज हीटेड विथ heated with reducing agent LiAlH4, reducing agent LiAlH4 then it forms alcohol. Then it forms alcohols. ठीक है ना? This is CH3. COOH LiAl H4. ऐसा राइट डाउन प्लीज. कुछ नहीं करेगा, बस CH3 को कन्वर्ट कर देगा, सॉरी COOH को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में. ठीक है, तो ये हम लोगों का फिनिश होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ methods of preparations of alcohols, methods of preparations of alcohol. तो हम लोगों ने numbering किया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 methods of preparations के लिए. तो from alkene हो गया, from alkyl halide हो गया, from amine हो गया, from aldehydes and ketones हो गया, from reduction of acid हो गया, ऐसा. ठीक, बोलो सभी लोग, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर. So this is part first, methods of preparations. इसका part second में obviously थोड़ा सा higher side के problems हम लोग देखेंगे जब भी मैं extra lecture लूंगा. हाँ, मैं फिर से हम लोगों का भाई decide करना था, definitely हम लोगों का Sunday को जो test रहेगा वो किस पर था? Solid state पे था, CET level का रहेगा. ठीक, simple simple problem जैसे board में आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को हम लोग डिसाइड करेंगे कि थर्सडे या नेक्स्ट संडे को जो लेक्चर और टेस्ट रहेगा
वो सीटी नीट लेवल का होकर के कैसे रहेगा फॉर सॉलिड स्टेट। ठीक, चलो सभी लोग थैंक यू सो मच। ठीक है, कृष्णा समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। बोलो के साथ या फिर नहीं होता क्या?